दोस्तों ऋषि ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सालासर धाम बालाजी, जो कि बहुत ही फेमस है, जहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं, जो कि राजस्थान राज्य के सुजानगढ़ तहसील से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। और अभी हम लगभग 6 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और अभी यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर बचा है। जैसे कि यहाँ आप बोर्ड पे देख सकते हैं 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये देख सकते हैं सालासर का बोर्ड भी लगा है, यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। चलिए हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम सालासर सिटी के मेन गेट की तरफ पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले बोर्ड पे बताया था कि वहाँ से सालासर तकरीबन 19 किलोमीटर था, तो हम 18 किलोमीटर बाइक से ट्रेवल करके फाइनली हम पहुंच चुके हैं सालासर सिटी के मेन गेट की तरफ। यहाँ से तकरीबन जो सालासर धाम है, बालाजी मंदिर है, वो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सालासर धाम समिति द्वारा एक बोर्ड लगाया है, जहाँ पे देख सकते हैं कि सालासर जो बालाजी मंदिर है वो यहाँ से ओनली 1 किलोमीटर दूर है। तो संपूर्ण बालाजी धाम सालासर बालाजी धाम का आप नज़ारा देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप भी मेरी तरह बजरंग बली के भक्त हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय बजरंग बली। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी मंदिर। तो मंदिर के मेन गेट पर जाने से पहले हम आपको पूरी जो बालाजी मंदिर की स्थापना की चमत्कारी कहानी है वो एक बार जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि क्या एक चमत्कारी कहानी है सालासर बालाजी मंदिर की। तो यहाँ क्या, एक बार मोहनदास जी जो थे वो एक बालाजी के परम भक्त थे, तो बालाजी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। तो एक बार नागौर जो जिला है उसके आसोटा गांव है, वहाँ पे 1811 ईस्वी में वहाँ के एक जाट थे मोहन राम जी, वो खेत में हल जोत रहे थे। तो हल जोतते टाइम उनको बालाजी की जो प्रतिमा मिली थी, तो जब उनकी धर्मपत्नी वहाँ भी मौजूद थी तो उन्होंने देखा तो बालाजी की प्रतिमा थी। उस दिन क्या हुआ कि जो उनकी धर्मपत्नी थी वो उनके लिए बाजरे का चूरमा लेके आई थी, तो दौड़ के गई और प्रतिमा को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। तो उसी दिन से ये बात फेमस है कि बालाजी को सालासर के जो बालाजी है उनको चूरमे का भोग लगाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो उसी आसोटा गांव के जो ठाकुर थे उनको बालाजी ने सपने में आकर बोला कि जो मेरी मूर्ति है उसको बैलगाड़ी पर रख के स्थापित की जाए। लेकिन जो रोचक बात यह है कि उन्होंने बताया कि जो बैलगाड़ी उसको चलाएगा कोई नहीं, वो जहाँ पे अपने आप स्वचलित अपने आप जहाँ रुकेगी वहीं पे मेरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो जहाँ पे आज सालासर बालाजी का मंदिर है वहीं पे वो बैलगाड़ी रुकी थी और वहाँ पे आज मूर्ति स्थापित है और सालासर बालाजी का भव्य मंदिर है। तो आइए आगे का नज़ारा देखते हैं और पूरा नज़ारा देखने के लिए कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सालासर धाम बालाजी मंदिर। ये है मेन गेट, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि प्रवेश द्वार बालाजी मंदिर सालासर धाम। आज शनिवार है तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं मंदिर गेट में। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं सालासर बालाजी मंदिर में। यहाँ आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे देख सकते हैं कि हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनदास जी की प्रतिमा भी छोटी सी लगी हुई है। तो अब हम एंटर करते हैं। आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि शनिवार है आज, तो भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। हाँ देख सकते हैं आप, दोस्तों जो आप ये धुना देख रहे हैं, ये धुना आज से 300 साल पहले मोहनदास जी जो कि बालाजी के परम भक्त थे उन्होंने जलाया था, और ये धुना आज भी अखंड प्रज्वलित है, आज भी जल रहा है। उस टाइम आज से 300 साल पहले इसे जलाया गया था और आज भी अखंड प्रज्वलित है। तो ये है चमत्कारी धुना, आप देख सकते हैं किस तरह भक्तों की भीड़ उमड़ रखी है। और अभी तो हम पहुंचे तक नहीं है, यहाँ से बहुत लंबी कतार है, शनिवार के दिन इतने बहुत ज़्यादा भक्त आ रखे हैं। तो अभी तक मेन
जो मूर्ति है वहां तक पहुंचने में अभी काफी टाइम लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली कितनी भीड़ है मंदिर में, बहुत ही ज्यादा भीड़ है और आखिर में हम मेन मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है, यहाँ मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आखिर में हम बजरंग बली के पास पहुंच गए। बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। तो दोस्तों फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर क्या एक्चुअली जहाँ मेन मूर्ति थी वहां पे फोटोग्राफी करने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर से जहाँ पे जयकार लगाया था जस्ट वहीं से आगे मूर्ति थी। तो कैसा रहा हमारा सफ़र और आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अगर मेरी तरह बजरंग बली के भक्त हैं तो एक बार मैं यही कहना चाहूँगा सालासर बजरंग बली के दर्शन ज़रूर करें।